हाय गाइस, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। वेल, मैं डॉक्टर सोनल परिहार आज आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। वो है पॉलिप इन यूट्रस या फिर पॉलिप इन सर्विक्स। पॉलिप क्या होता है? यूट्राइन पॉलिप्स, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, सर्वाइकल पॉलिप, बहुत कॉमन एक फाइंडिंग है जो कि आप लोग अक्सर सुनते हैं, डॉक्टर के नाम मुंह से सुना होगा। आपको पता नहीं है फाइब्रॉयड पॉलिप क्या होता है, फाइब्रॉयड क्या होता है, सिर्फ पॉलिप क्या होता है, इसके बारे में आज हम छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं बता दूँ कि मुझसे कॉन्टैक्ट करने के 3 तरीके। गाइज, मुझे किसी ने कमेंट में लिखा था कि आप इतना टाइम वेस्ट करती हैं ये सब बताने में, क्या जरूरत है ये सब हर बार बताने की, और आधे से ज़्यादा वीडियो में तो आप यही बताती हैं। ऐसा नहीं है, कारण ये है बार बार बताने का हर वीडियो में, क्योंकि मेरे चैनल को 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, 400 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, हर वीडियो में शुरू में मैंने ये सब नहीं बताया। तो जो लोग एक ही वीडियो देखकर मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ कहाँ अवेलेबल हूँ? क्योंकि जब 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, तब मैं किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं थी, मैं सिर्फ अपने हॉस्पिटल में बैठती थी और मैंने शौक किया ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था। अब इतने सारे लोग हैं जो मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, उनको बताना जरूरी है। मेरा एक वीडियो अभी रिलीज़ हुआ था, अभी जस्ट 1-1.5 महीने पहले, मुझसे कॉन्टैक्ट करने के 3 तरीके, उसको देखिए, मैंने यहाँ पर थंबनेल डाला हुआ है, उसको सुनिए। उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया कौन से 3 तरीके। अभी मैं आपको बस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ एक वीडियो देखते हैं। जैसे हो सकता है कोई पहली बार मेरा ये वाला वीडियो देख रहा हो, उसको क्या पता कि मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट करना है। इसलिए मुझे कोई शौक नहीं आप लोगों का और मेरा खुद का टाइम वेस्ट करने का, इस शॉर्ट में बताती हूँ 3 तरीके कौन से। एक तो पहला कि हॉस्पिटल आ जाइए, मेरा एड्रेस और सेक्रेटरी का नंबर है, जो कि अभी ऑब्वियसली लॉकडाउन में पॉसिबल नहीं है, बट बहुत सारे लोग 2 साल से आ रहे हैं दूर दूर से, तो ये पॉसिबल है। और डेफिनेटली अगर आप आएंगे तो आपका ट्रीटमेंट बेस्ट होगा, क्योंकि डॉक्टर चेक करके ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट करता है। सेकेंड तरीका वो है, जैसे कि आजकल सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं डॉकवाइज ऐप पे पिछले 2-2.5 साल से हूँ। स्पेलिंग चेक कर लीजिए, पिंक कलर का एप्लीकेशन है, मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा, मेरा पिन दिया हुआ है, पिन डालते ही आप मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर आगे का तरीका वो आपको अपने आप ही बता देंगे। ठीक है, इसमें टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू कंसल्टेशन होता है और 2 दिन का आपको चैट टाइम मिलता है। तीसरा तरीका जो मैंने अपने आप खुद ही स्टार्ट किया है, वो है व्हाट्सएप कॉलिंग। बहुत से लोगों को वीडियो कॉलिंग करनी होती है, वीडियो कॉलिंग के लिए मुझे कोई और एप्लीकेशन अभी तक मिला नहीं। बहुत से लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, बट मुझे लगा मैं क्यों ना खुद ही अपने ही हॉस्पिटल के थ्रू करूँ तो बेटर रहेगा। तो मैंने अपनी सेक्रेटरी का नंबर आपको हमेशा दिया है, 9358545556। इसमें व्हाट्सएप करिए, बोलिए कि डॉक्टर सोनल से वीडियो कंसल्टेशन करना है, वो आपको आगे पूरा बता देगी। ओके, और चौथा तरीका, जब मैं लाइव जाती हूँ हफ्ते में 1 या 2 बार इस चैनल पे और डॉक्टर सोनल्स आंसर्स पे, तो उसमें सुपर चैट का ऑप्शन होता है, जिसमें आप हाथों हाथ क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। बाकी मैं लाइव सेशन में उसी समय क्वेश्चंस का आंसर नहीं देती हूँ, पुराने क्वेश्चंस पिक करके आधे घंटे का सेशन करती हूँ, जिससे आप लोगों की मेमोरी थोड़ी ताज़ा हो जाए, कुछ कॉमन क्वेश्चंस आंसर हो जाए। ओके, तो आते हैं आज के टॉपिक, पॉलिप्स क्या होते हैं। गाइज, पॉलिप जो है मेडिकल एक टर्म है, और ये बड़ा ही कॉमनली उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो कि चीज़ लटक रही हो अंगूर के गुच्छे की तरह। पॉलिप इज समथिंग जो कि लंबी सी डंडी से एक नीचे गोला सा एक है, जैसे फॉर एग्जांपल टीयर ड्रॉप हो गई या अंगूर हो गया, है ना, समथिंग जो कि एक बलून जैसे लटक रहा है नीचे, एक स्ट्रिंग है उसके, उसको पॉलिप बोलते हैं। अब पॉलिप और फाइब्रॉयड में क्या फ़र्क है? फाइब्रॉयड के ऊपर बहुत एक विस्तार, एक लंबा वीडियो आ चुका है 15-20 मिनट का, जो कि 2 साल पहले आया था, काफ़ी लोगों ने लाइक किया है उसको। मैंने नाम दिया था फाइब्रॉयड्स इन यूट्रस या फिर बच्चेदानी में गांठ। वो बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से, फाइब्रस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू से, तो वो यूट्रस के अंदर होता है, वो मोटा और थिक होता है, वो इतनी जल्दी हाथ लगाने से ब्लीड नहीं करता है। ओके, वो यूट्रस की दीवार में रहता है या यूट्रस के अंदर भी लटकता है तो स्टिफ होता है, ठीक है, या यूट्रस के बाहर अगर पेट में होता है उसको बोलते हैं फाइब्रॉयड। पॉलिप क्या होता है? सिर्फ जो अंदर वाली लाइनिंग है यूट्रस की, जिसको कि हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो कि पीरियड्स के समय झड़ती है, उसकी ओवरग्रोथ की वजह से बनता है। तो ऐसे पेशेंट्स में नॉर्मली एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया आता है, यानी कि यूट्रस में आपको डॉक्टर बोलेंगे कि बच्चेदानी के अंदर जो लाइनिंग है वो सूज गई है, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, उसी में कहीं अगर ज़्यादा ग्रोथ हो जाए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में तो ऐसे लटक के पॉलिप जैसा बन जाता है। अब ये पॉलिप यूट्रस के अंदर हो सकता है, इतना लंबा हो सकता है कि लटक के यूट्रस के बाहर आके नीचे वजाइना में आ जाए, सर्विक्स में दिखे, या फिर कभी कभी ये सर्विक्स के थ्रू भी निकलता है, यानी कि बच्चेदानी के मुँह का जो टिश्यू है उसमें से भी निकलता है। तो ये 2 तरह के पॉलिप्स होते हैं, एक तो होता है जो पेडंकुलेटेड बोलते हैं, जिसे को पेडंकुलेटेड पॉलिप, यानी कि जिसकी की डंडी है और नीचे एक गोला है। अब गोला वो राउंड है, 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, या फिर वो लंबा हो गया है, एलिप्टॉइड हो गया है, मतलब इट डिपेंड्स कि कितना ग्रो किया है, अलग अलग शेप्स का होता है। कभी कभी ये सेसाइल होता है, सेसाइल यानी कि इसमें डंडी नहीं होती, तो ऐसे पॉलिप को काटने में थोड़ी दिक्कत होती है, राइट? अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ डंडी से लटकती है सिर्फ डंडी को काटना होता है, पूरा पॉलिप बाहर आ जाता है, और जब वो पूरा ऐसे का ऐसे पूरे यूट्रस से चिपका हुआ है तो उसका पूरा बेस बहुत चौड़ा होता है, उसको काटने में दिक्कत होती है।
फिर कहते हैं सर्वाइकल पॉलिप क्या होता है, सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह, जो कि आपके डॉक्टर आपको इंटरनल चेकअप ओपीडी में करके बिना बेहोश करे एक स्पेकुलम डाल के चेक करते हैं, वहाँ पर कई बार पॉलिप दिखता है। पॉलिप अगर सिर्फ बाहरी बाहर है, सर्विक्स से ही निकलता है, जो कि आपके डॉक्टर चेक कर सकते हैं, तो उसको बिना बेहोश करे हाथों हाथ निकाला जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ सर्विक्स पे होता है, तो इतना छोटा सा होता है, उसको हाथों हाथ एक छोटी सी आर्टरी से पकड़ के हाथों हाथ निकाल दिया जाता है। इसमें कोई दर्द भी नहीं होता, मुश्किल से कुछ मिनटों की ब्लीडिंग होती है, दैट्स इट। ओके, तो ये तो हो गया पॉलिप एक मोटे मोटे तौर पे क्या होता है, कैसे बनते हैं। वेल, इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है क्यों बनते, जैसे फाइब्रॉइड्स का कोई रीज़न नहीं है, बट डेफिनेटली ये हॉर्मोन्स की वजह से बनते हैं। फाइब्रॉइड्स में भी मैंने बताया था कि जब आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, फीमेल हॉर्मोन, तो फाइब्रॉइड्स बनते हैं। इसी तरह से जिन लोगों में ईस्ट्रोजन जाता है, जैसे जो मोटी हैं, ओबेसिटी, या फिर जिनको टैमोक्सिफेन जैसी टैबलेट चल रही है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से, या फिर कोई और रीज़न है हाई ईस्ट्रोजन का, मोटापा तो है ही, साथ में पीसीओडी है, मतलब एनी रीज़न जिसकी वजह से आपके अंदर ईस्ट्रोजन ज़्यादा है, या फिर कहते हैं जिन लोगों को जिनको हाइपरटेंशन है, यानी कि जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उनके अंदर पॉलिप बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई यूट्रस में ज़्यादा होती है, फोर्स ज़्यादा होता है, उसकी वजह से टिश्यू लटक जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए रिस्क फैक्टर्स। अभी कितना कॉमन है, वेल कॉमन अगर देखा जाए तो कहते हैं 30%, काफ़ी, मतलब 10 में से 3 लेडीज़ को कभी ना कभी लाइफ टाइम में पॉलिप बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, हो सकता है ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, हो सकता है ना भी ज़रूरत पड़े, तो 30% केसेस में बन सकता है, बट जनरली ये 35-40 साल के बाद दिखता है। ठीक है, तो मीनोपॉजल की तरफ जब आप जाते हैं, मीनोपॉज की तरफ, तब ये ज़्यादा कॉमनली दिखता है। 1% 1 out of 100 में ऐसा होता है कि 30 साल की उम्र से पहले दिख जाए, तो ऐसे में ज़्यादातर क्योंकि यंग लेडी है तो उसमें सिम्टम्स होते हैं, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब इसमें आपको सिम्टम्स क्या होंगे, प्रॉब्लम्स क्या होंगी, सबसे पहले तो बच्चेदानी के अंदर कोई भी गांठ हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो बच्चेदानी के अंदर ऑब्वियसली स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग आती है तो आप एक हल्का सा पेन पूरे टाइम नीचे रहता है, स्पेशली पीरियड्स के टाइम पे, क्योंकि आपकी बच्चेदानी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है कि उसको दर्द करके उसको बाहर फेंके, क्योंकि वो फॉरेन बॉडी की तरह होता है, वो यूट्रस के अंदर कोई भी चीज़ गड़बड़ होगी तो बच्चेदानी उसको कोशिश करेगी कॉन्ट्रैक्शंस करके उसको बाहर फेंके, तो पूरे टाइम एक डल एकिंग पेन रहेगा, स्पेशली इंटरकोर्स के बाद ये पेन बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरकोर्स के बाद यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, तो जब वो गांठ होती है तो ज़्यादा पेन करती है। ओके, दूसरी चीज़ है ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग किसी भी तरह प्रेजेंट कर सकती है, या तो सेक्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, जो कि सर्वाइकल पॉलिप में ज़्यादा कॉमन है ऑब्वियसली, क्योंकि अगर बच्चेदानी के मुंह पे पॉलिप है और सेक्स के समय वो टच हो रहा है, तो फिर वो रब कर रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। तो ऐसे कई बार पेशेंट्स आते हैं कि मैडम ब्लीडिंग होती है हर बार जब भी सेक्स करते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों। ठीक है, तो ब्लीडिंग या तो सेक्स के बाद होगी, या फिर इन बिटवीन द पीरियड्स होगी, आपको लगा पीरियड्स खत्म हो गए फिर से स्पॉटिंग स्टार्ट होगी, या फिर पीरियड्स बहुत हैवी आएंगे, पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, या फिर मीनोपॉज हो चुका है, आपको रजोनवृत्ति हो चुकी है, उसके बाद वापस ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो अलग अलग तरीके से ब्लीडिंग प्रेजेंट करेगी और ये आपको तंग करेगी, परेशान करेगी, तभी आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। तीसरा जो बड़ा कॉमनली देखा गया पॉलिप में, स्पेशली जो वजाइना में आ चुका है पॉलिप, या तो वो यूट्रस से लटक के इतना बड़ा हो के वजाइना में आ गया है, या सर्विक्स के अंदर ही बना है और वहीं पर बार बार वो क्योंकि वो एक्सपोज है बाहर वजाइना से, और बाहर की एयर, बाहर का डिस्चार्ज, जो वाइट डिस्चार्ज है, उसको बार बार रब कर रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटी के समय रबिंग हो रही है, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, थोड़ी सी ऊपर की उसकी स्किन निकल जाती है, सेल्स निकल जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज यानी कि गंदी स्मेल वाला वाइट पानी बड़ा कॉमन है, वाइट के साथ रेड मिक्स पानी भी बड़ा कॉमन है, और पेशेंट आके बोलती है कि मैडम मेरे को स्मेली डिस्चार्ज आता है, कभी कभी उसमें रेडनेस भी होती है, ब्लड भी होता है, तो ऐसे केसेस में जनरली डॉक्टर आपको स्पेकुलम डाल के चेक करेंगे, और जनरली ऐसे केसेस में पॉलिप दिख जाता है। तो ये बड़ा ही कॉमन सिम्टम है, स्मेल बिकॉज ऑफ पॉलिप, बिकॉज वो नीचे लटका हुआ होता है और उसमें अब कोई भी चीज़ लटक रही है तो उसके अंदर कंजेशन होता है, उसके अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, राइट, उसके अंदर फ्लो नहीं कर पा रहे, तो जब नीचे ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो ऊपर की स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो रब करने से बहुत जल्दी फट जाती है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत जल्दी ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये तो 3 मेन सिम्टम्स हो गए। चौथा सिम्टम है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी यानी कि कंसीव करने में या तो प्रॉब्लम या फिर एबॉर्शन हो रहा है। अब कंसीव करने में प्रॉब्लम क्यों आएगी, कंसीव करने में प्रॉब्लम तब आएगी तब जब या तो नीचे सर्विक्स के ऊपर पॉलिप बहुत बड़ा है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी के समय जो सीमेन जो ऊपर चढ़ना चाहिए, स्पर्म्स ऊपर चढ़ने चाहिए, उसको जगह नहीं मिल रही है, या फिर यूट्रस के अंदर से पॉलिप आ रहा है तो अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो बच्चे के लिए सही नहीं है, तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर कभी कभी ये पॉलिप बिल्कुल आपके यूट्रस की जो ट्यूब की ओपनिंग है वहाँ पर होता है, होता इतना सही है लेकिन उस ओपनिंग को, ओपनिंग भी तो इतनी सी होती है माइक्रोस्कोप
एंडोस्कोपिक, उसको बंद कर देता है, तो उस वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, हिस्टोस्कोपी, सोनोग्राफी, डायग्नोसिस अलग अलग तरीके से बनती है, उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता है। और पाँचवा सिम्टम जो हम कह सकते हैं वो है वेट गेन। अब वेट गेन तो लेडीज़ में बहुत सारे रीज़न होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको फाइब्रॉयड है या पॉलिप है तभी वेट गेन हो, क्योंकि मुझे पता है मैंने जैसे ही ये बोला मेरे पास खूब सारे क्वेश्चन आने वाले, मैडम मेरा वेट बढ़ गया तो क्या मुझे पॉलिप है, मैडम मेरा पिछले 10 साल में या पिछले 2 साल में इतना वेट बढ़ गया तो क्या मुझे फाइब्रॉयड है। नहीं, किसी भी गांठ अगर यूट्रस में है किसी भी कारण वजह से, तो फिर आपको जैसे मैंने बताया आपके अंदर ईस्ट्रोजन ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, इस वजह से गांठें बन रही हैं, तो ये इनडायरेक्टली आपको पॉइंट कर रहा है कि आपकी वेट या तो बढ़ जाएगा या फिर आपके बढ़े हुए वेट की वजह से आपको फाइब्रॉइड या पॉलिप हो रहा है। ठीक है, तो वेट गेन और हार्मोनल प्रॉब्लम साथ साथ चलती हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम है तभी वेट गेन है, हार्मोनल प्रॉब्लम है तभी गांठ है, तो ये तीनों एक ट्रायड है। ठीक है, तो दिस विल हैपन। अब आते हैं डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस कैसे बनेगी, जैसे कि मैंने बताया स्पेकुलम डालते ही डॉक्टर को दिख जाएगा कि पॉलिप है, फिर डॉक्टर का ये काम होगा देखने का कि पॉलिप कहाँ से आ रहा है, क्या ये सर्विक्स से निकल रहा है, तब तो ये हाथों हाथ निकल जाएगा, सिंपल DNC करके निकल जाएगा थोड़ा सा बेहोश करके, या फिर छोटा सा है तो वहीं OPD में निकल जाएगा बिना बेहोश करे। और अगर ये अंदर से आ रहा है यूट्रस के अंदर से, तो फिर इसके दो तरीके हैं, यानी कि या तो DNC करें, पहले तो डॉक्टर हिस्ट्रोस्कोपी डाल के चेक करेंगे, सबसे पहले देखिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद सोनोग्राफी हुई, सोनोग्राफी के बाद भी अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि सोनोग्राफी में कई बार पॉलिप ठीक से नहीं दिखता है, तो बेस्ट है हिस्ट्रोस्कोपी, यानी कि पतला सा एक कैमरा आपके बच्चेदानी के अंदर डाल के, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पानी के साथ अंदर जाते हैं, बच्चेदानी को ऐसे फुला देते हैं पानी से, फिर वो पूरा का पूरा पॉलिप हमको दिख जाता है, एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है, कितना मोटा है, हम उसको कैसे निकालें, सब पता चल जाता है। तो उसको निकालने के भी तरीके डिपेंडिंग अपॉन द डायग्नोसिस हम डिसाइड करते हैं कि कैसे सर्जरी करनी है या सर्जरी नहीं करनी है तो क्या करना है, टैबलेट्स देनी है तो कौन सी टैबलेट्स देनी है। ओके, तो डायग्नोसिस में एक्सटर्नल एग्जामिनेशन डॉक्टर करेगा, उसके बाद ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी या एब्डोमिनल सोनोग्राफी, उसके बाद हिस्ट्रोस्कोपी जो कि मेन है, उससे पहले बहुत से डॉक्टर्स SSG करते हैं, यानी कि सलाइन सोनोग्राफी, अंदर पानी डाल के सोनोग्राफी करते हैं, या फिर कभी कभी HSG भी करते हैं, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी में भी कई बार पॉलिप दिख जाता है इस तरह से, क्योंकि डाई डालते हैं तो दिख जाता है इतना से एरिया में डाई नहीं गया। ओके, तो ये 4-5 तरीके हैं जो हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट यूज़ करेंगे, बट इसमें बेस्ट होता है हिस्ट्रोस्कोपी। ओके, अब आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पे। ट्रीटमेंट अगर करते हैं, जैसे कि मैंने बताया सर्विक्स पे है तो हाथों हाथ निकाल दिया, अगर निकल गया नहीं निकला तो DNC कर दी, DNC में क्योंकि हल्का सा बेहोश कर देते तो पेशेंट रिलैक्स हो जाता है, तो किसी भी चीज़ को निकालने में दर्द नहीं होता। हिस्ट्रोस्कोपी में अगर दिख रहा है कि अंदर है, DNC से नहीं निकलेगा, तो आप उसको हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसीजर से निकाल सकते हैं। डॉक्टर के पास अलग अलग तरीके होते हैं, या तो फोर्सेप से पकड़ के निकाल देते हैं छोटा सा होता है तो, और अगर बड़ा है तो आपको हल्का सा बेहोश करके उसको गर्म मशीन से काट काट के छील छील के निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ पॉलिप। राइट, तो पॉलिप की सर्जरी बहुत ही छोटी सर्जरी है, जस्ट डोंट वरी, क्योंकि ये सिर्फ एंडोमेट्रियल टिश्यू है, आपकी यूट्रस की दीवार से कुछ नहीं हो रहा है, यूट्रस की दीवार के अंदर नहीं है, फाइब्रॉइड नहीं है, पॉलिप है, ये लटक रहा है, और निकालेंगे भी तभी जब आपको कोई सिम्टम होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, अगर लगेगा इनफर्टिलिटी हो रही है या पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तभी निकालेंगे, वरना इसको पड़े रहन देते। अनलेस कि आपको बहुत सारे पॉलिप्स हैं, आपके यूट्रस पूरा भरा पड़ा है पॉलिप से और आपको इतनी ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी नहीं, इसके साथ मेडिसिन भी देनी पड़ती है, क्योंकि आपको इन जनरल यूट्रस में स्वेलिंग आ चुकी है, तो फिर आपको हॉर्मोन्स प्रोजेस्टेरोन देकर इसको सप्रेस करना पड़ता है, इसको रोकना पड़ता है, और कोशिश करते हैं कि वापस ना बने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैडम रिकरेंस वापस हो गया तो? वेल, डिपेंड्स आपके बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, डिपेंड्स आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको जनरलाइज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, पूरा पूरा एंडोमेट्रियम आपका थिक है और यूट्रस दिख रहा है हिस्ट्रोस्कोपी में कि चारों तरफ ऐसे ऐसे इतने सारे पॉलिप्स बने हुए, तो फिर डेफिनेटली पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, सर्जरी से पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, आपको शायद लाइफ लॉन्ग या फिर बहुत महीनों तक, सालों तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, स्पेशली अगर आप यंग हैं, क्योंकि यंग एज में हॉर्मोन्स खत्म नहीं होते, धीरे धीरे जब आप मेनोपॉज की तरफ जाएंगी तो फिर आपका ईस्ट्रोजन अपने आप कम हो जाएगा, ये पॉलिप्स अपने आप छोटे हो जाएंगे। कभी कभी किसी किसी केस में एब्डोमिनल सर्जरी यानी कि बड़ी सर्जरी करनी पड़ सकती है, बट डेफिनेटली अगर कोई और प्रॉब्लम साथ में हो, यानी कि फाइब्रॉइड भी है साथ में पॉलिप भी है, क्योंकि पॉलिप सिर्फ एंडोमेट्रियम यानी कि अंदर की लाइनिंग से निकलता है, तो वो अंदर यूट्रस के अंदर या पेट के अंदर नहीं जाएगा, वो जो भी नीचे ही लटकेगा, तो उसको नीचे से ही बिना चीरा फाड़ी के निकाला जा सकता है।
अब लास्ट क्वेश्चन जो सब पूछते हैं, रिकवरी। रिकवरी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया डीएनसी करते हैं तो 10 मिनट के लिए बेहोश करते हैं, हिस्टोस्कोपी करते हैं आधे घंटे के लिए बेहोश करते हैं, मतलब आप उसी दिन करा के 2-3 घंटे या मैक्सिमम 5-6 घंटे बाद घर जा सकते हैं। कोई चीराफाड़ी नहीं, ब्लीडिंग बहुत हल्की, डॉक्टर को लगेगा कि अंदर बहुत स्वेलिंग है तो आपको ऑलरेडी हॉर्मोन का इंजेक्शन या टैबलेट्स दे देंगे तो आपकी 2-3 दिन में ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। तो गाइस पॉलिप बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बट बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पॉलिप्स पे और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पॉलिप और फाइब्रॉइड में क्या फ़र्क है, इसे मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ शेयर करिएगा लोगों से, जिससे कि लोगों को भी फायदा हो, और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हम लोग बहुत जल्दी 1 मिलियन फैमिली होने वाले हैं और आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हम बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय बाय।